हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। और बच्चा पार्टी कैसन बा? हाँ, हम ठीक बा। हाँ, आज हम का पढ़ेंगे सर जी? ए दैया, आज तो हम सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। अरे सर्किट डायग्राम? ए मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है रे। हाँ, ये मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है। इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से समझना है। देखो बेटा, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा, उसमें हम लोगों ने अभी देखा ना कि ऐसे वायर थी, कहीं पे सर ने सेल लगा दिए, कहीं पे पता नहीं कुछ ऐसा लगा दिया, कहीं पे क्या लगा दिया, कहीं पे क्या लगा दिया, सर पता ही नहीं पड़ा क्या क्या करते चले गए। अब पता पड़ेगा, डस्टर साहब तो पता नहीं कहां चले गए, आ जाएंगे होते होते आएंगे। डस्टर साहब पता नहीं खैर। अब देखो बेटा, जब हम लोग सर्किट डायग्राम बना रहे थे, तब हम लोगों को उस समय तो कुछ पता ही नहीं था ना करना क्या है। लेकिन अब जब पता चलेगा, डस्टर साहब कहेंगे, सर डस्टर साहब है क्या? देखो उड़ते उड़ते आएंगे, देखना उड़ते उड़ते आएंगे। ये देखो, जादू रहता है अपने आप सब कुछ। हाँ जी, देखो बेटा, हमारे पास सर्किट डायग्राम के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें याद अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए रखनी पड़ेगी। सबसे पहला तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनका हमें ज्ञात होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। बड़े डंडे के पीछे चोट लग गई, छोटे डंडे के पीछे भी चोट लग गई, इसके आगे पॉजिटिव, इसके आगे नेगेटिव, ऐसा कोई सिंबल आए तो आपको पता रहना चाहिए कि ये सिंबल सेल का होता है। अगर ऐसे बहुत सारे लोग गली में मारने पीटने के लिए आ गए तो समझ जाना भाई वहां से निकल लो, क्योंकि ये सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी बोला जाता है, है ना? ये बैटरी बन गई। इसके अलावा हमारे शहरों में जब ऐसे स्विच लगाए जाते हैं तो इसका मतलब ये ओपन स्विच होता है। यानी कि इस समय ओपन स्विच का मतलब स्विच खोल के लाइट जल जाना, वो मैं समझ रहा हूं। ओपन स्विच मतलब करंट नहीं जा रहा, सर्किट इनकम्प्लीट है। ये बात ध्यान रख लेना, कह देना कि सर हम तो जब स्विच ओपन करते हैं तब जो है हमारे पास लाइट आ जाती है, और यहाँ पे उल्टा है। मतलब उस सेंस में उल्टा है कि ओपन स्विच में कोई करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि सर्किट ओपन है, और जब भी ओपन सर्किट होगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ही मतलब करंट। अच्छा, फोर्थ कौन सा था बेटा? फोर्थ हमारे पास क्लोज स्विच का डायग्राम हुआ करता है, ऐसे बस इसके अंदर बिंदी लगा देना वो क्लोज स्विच हो जाएगा। अच्छा, फिर कई बुक में ऐसे भी दिखाया जाता है, जैसे कि ये अगर हमारे पास सपोज कीजिए वायर है, तो इसमें अगर ऐसे जा रहा है वायर, तो बेटा ये तो हो गया हमारे पास ओपन स्विच, वायर जा रहा था ना ऐसे, तो ये ओपन स्विच हो गया। और ऐसे अगर हमारे पास कहीं से वायर आ रहा था, एक पॉइंट यहाँ पे लगा देना, एक पॉइंट ये क्लोज स्विच का है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना स्विच या की, आपके ऊपर है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4, ये कौन सा हो गया बेटा? हमारे पास क्लोज स्विच का हो गया। ठीक है, अच्छा, अब कई बार क्या होते हैं, वायर में ज्वाइंट लग जाता है ना, बड़े वायर करने में ज्वाइंट आ देते हैं। तो अगर हमारे पास वायर में ज्वाइंट है, ज्वाइंटेड वायर्स है, तो बिल्कुल ऐसे ये ज्वाइंट को सेंट्रलाइज करता है बेटा, वायर ये वायर है, यह यहां पे ज्वाइंट करना। और अगर हमारे पास विदाउट ज्वाइंट है, वायर विदाउट ज्वाइंट, यानी कि वायर एक के ऊपर से पास हो रहा है पर उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, तो जनाब कुछ इस तरीके से दिखाए जाते हैं। यानी कि ये वायर इसके ऊपर से निकल गया है, इसके ज्वाइंट नहीं है। इतना समझ में आता है? 6 हमारे पास ये सिंबल हो गए। इसके अलावा बेटा हमारे पास 2-3 सिंबल और होते हैं, देखते रहना बुक में यार। अब वो तो मैं क्या ही करूंगा, बल्ब का सिंबल होता है पहले, रेजिस्टेंस का एक, पहले एक रेजिस्टेंस नामक चीज होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ये मैं समझा दूंगा। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस हम लोग अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है बेटा, ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे दिखा देना, नहीं आ रहा पसंद तो ऐसे दिखा देना। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या आता है, एक बल्ब का आता है, बल्ब तो मैंने दिखाया था यार। देखो, एक तो सिंपल वाला तो ये होता है ना, और दूसरा यार ऐसे ऐसे, अब यार वो तो यार बल्ब तो बनता नहीं ऐसे, बड़ी मुश्किल से बनाऊंगा। हाँ ऐसे, और ये फिलामेंट,
ये दोनों में से कोई सही बना देना, पर इसके वायर ढंग से जोड़ देना, मैं सलाह दूंगा ये वाला बना देना। आसान है, क्यों यार बेकार में कलाकारी करना। बेटा टेंथ एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं अमीटर। अमीटर का सिंपल सा डायग्राम होता है ऐसा, और ये हमेशा सीरीज में जुड़ता है। अभी मैं आपको सीरीज में समझाता हूँ कैसे जोड़ना है। और जो हमारे पास इलेवंथ नंबर होता है बुकों में, वो होता है हमारे पास वोल्ट मीटर, जिसका सिंपल सा ये होता है। बेटा ये हमेशा पैरेलल में होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ सीरीज और पैरेलल का मतलब, जब मैंने इसको ऐसे बनाया है। नहीं आया तो अभी समझाऊंगा। पहले तो ये बताओ, इतना डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में वो यही है, 11 है, एक बार चेक कर लेना। वैसे तो मेरे को याद है, कोई छूटा नहीं है, पर फिर भी छूट गया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, और चेक कर लेना। बट कोई नहीं, माफी तो है, भगवान भी सबको पढ़ रहा, तो आप तो मेरे को कही हो गया। हाँ सर कर देंगे, आगे चले। चल रहा हूँ सर्किट, ए सर्किट, अब सर्किट बनाना, इनको यूज करके सर्किट बनाना भाई। ठीक है बेटा बना देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ एक समझाऊंगा, जिसमें मैं तीन चार चीजें, दो तीन चीजें समझा दूंगा, चलो 11 11 यूज करके दिखा दूंगा आज। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि एक सर्किट डायग्राम बनाना है, पहला जिसमें आपके पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसमें आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा आपके पास एक ओपन स्विच है, इसके अलावा आपके पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और क्या लगाना चाहोगे? काफी है ना, एक बल्ब भी लगा देते हैं सर, एक बल्ब लगा लो ना सर। ठीक है बेटा, देखो ये सारी चीजें हमें एक सर्किट डायग्राम में करनी है, तो सर्किट डायग्राम हमें ऐसे लगाना होता है। मैं इस पर अब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यूज करूंगा इसका, है ना। और एक सेल तो लगा दो, बिना सेल के क्या काम करेगा, सेल लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा अगर मैं सेल लगाऊंगा तो हमेशा याद रखना है कि जो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहां से करंट जाएगा और डायरेक्शन को इंडिकेट करना एरो में आपका जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं करोगे एरो का नंबर कट जाएंगे, बाद में मत कहना। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया, कहीं कहीं लगा दो आपकी मर्जी। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, तो मैं सर ऐसे ऐसे करके ये मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। एक ओपन स्विच था तो ये ओपन स्विच हो गया, एक वोल्ट मीटर था। अब देखो वोल्ट मीटर को अगर मैं ऐसे लगा देता हूं तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा एक बल्ब था, कहीं पे भी लगा सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको इसी जगह पे लगाना है, कोई मर्जी। लेकिन ये गलत हो गया सर्किट, ये सर्किट मुन्ना भाई वाला नहीं है भाई। ए इस सर्किट में तो घपला है रे। क्या घपला है? ये वोल्ट मीटर ऐसे नहीं लगता, इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। अच्छा सर फिर इसको पैरेलल में कैसे लगाए? हाँ बेटा बताएगा, टेंशन की इधर ही लगाना है, इधर ही लगाना है, तो ऐसे लगा दो ये ऐसे वोल्ट मीटर। अब ठीक है, इधर लगाना था तो बेटा ऐसे लगा दो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। ये लग गया वोल्ट मीटर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बल्ब आ गया, ओपन आ गया, इसे लगा दिया। अब ये एरो दिखा देना कि भैया इधर जा रहा है और नेगेटिव पे खत्म हो रहा है, पॉजिटिव से करंट का डायरेक्शन जरूर दिखाना है आपको। अगर डायरेक्शन नहीं दिखाओ नंबर कट जाएगा, मेरे को मत कहना फिर बाद में कुछ भी। बता रहे हम? हाँ बता दिया, नंबर काट लेगा तेरा भाई, जो भी टीचर होंगे यार आप लोगों के, है ना। ये समझ में आता है, सर्किट डायग्राम बना लोगे ऐसे। अब जैसे वोल्ट मीटर का मैं कहता हूँ इसे अमीटर फिट कर दो, तो अमीटर क्या करोगे? अमीटर को ऐसे लगाएंगे फिर। अमीटर को कैसे लगाएंगे? यहाँ पे एक सिंपल सा ए, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम हो जाते हैं। ऐसे सबका यूज करना यार, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, आराम से कर लेना। नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में डाल देना किसका यूज कैसे करेंगे। आता है समझ? कोई दिक्कत भाई के दौर में नहीं आनी चाहिए। आगे चले मस्त लेक्चर, जिससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का। हिंदी में लिखूं तो ऐसे प क का, सर गलत लिखा है। अरे पता है मुझे, ये लो, अरे तुम्हें याद दिए गए, पक्का आएगा। हाँ बेटा अगला जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसे नाम दिया था ओम्स लॉ। नाम में ओम छुपा है, ओ इसको बात करने से पहले आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, मैं भी उस एक्टिविटी को नहीं कैसे करा सकता हूं, मैं यहां तुम वहां जिंदगी पता नहीं कहां, लेकिन मैं एक्टिविटी समझा सकता हूं आपको बेटा। एक्टिविटी आपसे कहती है चार सेल लीजिए, एक नाइक्रोम का वायर लीजिए। ये जो नाइक्रोम का वायर होता है बेटा, ये कॉन्स्टेंटेन मैंगनीन
एलॉय होता है, एक अच्छा खासा वायर होता है जिसका हीट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हीट जैसे मेल्ट नहीं होता आसानी से, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, है ना। तो ये इसलिए लेते हैं, नाइट्रोम का वायर लेना है आपको, ठीक है। और चार सेल लेने हैं, है ना, और एक टेबल बनानी है। जब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स यूज करेंगे आप, कितने सेल आपने यूज करे हैं, उसके बाद आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट दिया, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी आपने कितना दिया, एक सेल मतलब 1.5 वोल्ट का एक सेल लेते, ठीक है ना। उसके बाद बोलेगा करंट कितना पास हुआ, कितना करंट पास हुआ, ये मेजर करना है आप लोगों ने। इसके लिए आपको सर्किट में एमीटर लगाना पड़ेगा और वोल्ट में देखने के लिए आपको एक वोल्टा मीटर लगाना पड़ेगा, है ना। ये निकालना है और V बाय I का रेशियो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारे पास आएगा, ये 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 करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ, ये पॉजिटिव आ गई, एक सेल दो सेल तीन सेल चार सेल, एक दो तीन चार, चार सेल हो गए। अब देखो मैं नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं तुम्हें यहाँ पे, हाँ ये हमारे पास एक्स और वाई डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं नाइक्रोम का वायर फिट करूंगा, नाइक्रोम का वायर फिट करूंगा, एक मेरे पास एमीटर रहेगा, एक मेरे पास यार वोल्ट मीटर रहने वाला है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस चेक करूंगा, बार बार मैं चेंज करता रहूंगा। चेंज कैसे करेंगे, जब मैंने एक सेल का इस्तेमाल किया यानी कि ये गायब थे सिर्फ सर्किट में, ये तीन गायब थे एक करा, तो मैंने नाप किया कि भैया जब मैंने करंट को पास किया, जब मैंने ये वायर लगा दिया यहाँ पे, तो करंट कितना गया ये नोट कर लेना और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इसे नोट कर लेना। जब मैंने एक के बाद दो सेल रख दिए, दो सेल रख दिए, तो हमारे पास कितना बी गया कितना आई गया ये नोट कर लेना। ऐसे जब तीन गए तब हमने कितना किया ये नोट कर लेना, ऐसे जब चार गए नोट करते जाना करते जाना। यही तो काम बचा है सर, और क्या करेंगे बेटा, लैब में मिल जाए तो कर लेना, मस्ती मत करना, प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल कर लेना। मैं बहुत मस्ती करता था, फिर क्या हुआ, फिर यार पता नहीं क्या हुआ, फिर तो मैं देखो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ ना, हाँ तो आप ये बात कर रहे। खैर कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल को ढंग से कर लेना। तो बेटा जब हमने ऐसे देखा तो V और I का जो हमने ग्राफ बनाया है, तो उसमें हमें एक चीज ऑब्टेन हुई कि भाई जो V और I का जो ग्राफ था ये तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आया, ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व आया, इसका मतलब ये संदेश देता है कि V I पर डायरेक्टली डिफाइन करता है। याद रखिएगा हमेशा स्ट्रेट लाइन के ग्राफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सिंबल देते हैं, और अगर वो इनवर्सली रिलेशन होता है कोई तो वो ऐसे देता है ना, नहीं ये तो आर स्क्वायर का ग्राफ होता है बेटा, ये आता है कि एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज के घटना, और अगर वो 1/r² के टाइम्स दे रहा है तो वो ऐसे, मतलब ये इनवर्स का ग्राफ हो गया। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये आ रहा है कि हमारे पास दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप इसे बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। तो हमारे पास इसमें तो यही ऑप्टेन हुआ है ना, और इस चीज को देखते हुए एक साइंटिस्ट है हमारे पास ओम ओम, उन्होंने लॉ दे दिया। उन्होंने लॉ क्या दे दिया, उस लॉ को बहुत ध्यान से लिखना है। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट एक नंबर में लिखने को आ जाती है उस लॉ के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं लिख रहा हूं बेटा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर मैं इसको फॉर्मुलेशन में डालता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बी होता है बेटा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो ये बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो अगर मैं इसको इधर ले आता हूं V by I, इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना तो एक कॉन्स्टेंट लेके आता है, कॉन्स्टेंट को रखना होता है। तो बेटा ये जो कॉन्स्टेंट आता है ना, तो वी क्योंकि आई को इधर लेके आएगा तो कॉन्स्टेंट आ गया, इस कॉन्स्टेंट को हम लोग नाम देते हैं आर,
क्या नाम देते हैं बेटा? आर। ये जो आर होता है, इस आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। वी इज इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला आ गया। बेटा मस्ती मत करना आज, मैं खुद मूड में ही हूं, क्योंकि पढ़ाने के मूड में हूं। वो तो हमेशा रहता हूं, पर बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर का ध्यान तो वापस से ध्यान केंद्रित कर लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। एक तो ये लाइन। अच्छा दूसरी चीज, आप गलती ये मत कर देना कि भैया करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो। यानी कि अगर आप इसकी जगह पे ऐसे लिख दो कि द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू इट, बेटा सही हो जाएगा। लेकिन ये गलती मत कर देना, आई इज इक्वल टू वी आर लिख दो। फिर कहना कि जब मैंने ऐसा किया तो उस समय आई जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आया है वो वन अपॉन आर आया है, तो इसलिए अब आ जाएगा इनटू। अब ठीक है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को वन अपॉन आर लेते तो ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा आप लोगों को ज्यादा दिक्कत में ना पड़े और इस चीज को रखें। समझ में आता है? अब रेजिस्टेंस क्या बला है बेटा? रेजिस्टेंस वो बला है विच हिंडर्स, हिंडर्स मतलब रुकावट लाना, विच हिंडर्स द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस हिंडर्स द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि अगर आपका करंट आराम से ऐसे जा रहा है, अगर आपने उसमें रेजिस्टेंस लगा दिया तो समझ जाना इस रेजिस्टेंस ने आपके करंट को फ्लो करने में रुकावट पैदा करी है। ये रेजिस्टेंस किस किस चीज से डिपेंड करता है इसको तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले तो हम लोग आज तो भैया ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि ओम्स लॉ समझ लेंगे। तो ओम्स लॉ दोबारा बताता हूं, ये बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस इन सेल की वजह से आ रहा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो इस तरह का ग्राफ आया। और जब हम लोगों ने ये देखा तो वी बाय आई कॉन्स्टेंट आया, तो वी बाय आर वो कॉन्स्टेंट आर था और वी इज इक्वल टू आई आर हो गया। अब रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जिसकी वजह से करंट के फ्लो होने में दिक्कत आती है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्स हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, इट ऑपोजिस द फ्लो ऑफ करंट। अ डिवाइस विच ऑपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, उसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, विच ऑपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को अपोज करे यार वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट जिसको रेजिस्टेंस से नापा जाता है वो है ओम। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, बताया था ना भाई, जैसे जैसा लगा होती है यार पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट है, करंट की एम्पियर है, चार्ज की कूलम्ब है, ऐसे ही रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस है तो ठीक है, अगर वन अपॉन रेजिस्टेंस आ जाए तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस है तो आर सिंपल, तो वन अपॉन आर हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। और ये उल्टा है ना, तो इसका ये भी उल्टा कर दो, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मो, MHO मो, सब मोह माया है सर। बेटा इस मोह को हम लोग ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, ओम का सिंबल ये होता है ओम, इसको हम लोग ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, लिखते समय ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, या साइमन भी बोल सकते हैं, साइमन भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस पहले बता दिया, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अगर मैं आपसे कह दूं किसी का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो बताइए इसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप कह रहे हैं 1/2 सब कंडक्टेंस हो जाएगा उसके, यानी कि 0.5। वेरी गुड। लेकिन मैं आपसे अभी यहां पर नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, मैं आपसे कहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय, क्या बोलता हूं हमेशा, वन की डिफाइन करता हूं तो बताओ वन ओम का मतलब क्या है, यानी कि रेजिस्टेंस आपका कहोगे वन ओम है, तो सर आपने जो हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे है V इज इक्वल टू आई आर, और जिसकी मदद से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन आई,
व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज फ्लोइंग पर यूनिट करंट, या व्हेन 1 वोल्ट ऑफ करंट, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड थ्रू अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। या दोनों को 1-1 पे रखना है, इसको 1 करने के लिए R को अगर 1 ओम रखना है तो क्या करना पड़ेगा, वोल्ट को 1 और I को 1, तो 1/1 तभी तो 1 आएगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर भी 1 एम्पियर होगा, उस समय रेजिस्टेंस आया होगा हमारे पास 1 एम्पियर आएगा। डिफाइन लिख दोगे अब, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड थ्रू अ कंडक्टर इन विच द करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस सो ऑब्टेंड इज सेड टू बी 1 ओम। डेरिवेशन देखे ना 10th क्लास के बच्चे हो, हाँ आनी चाहिए डेफिनेशन को लिखनी, ये क्या वी अपॉन आई ले सकते हो, लिख देंगे सर, डांट के रहे हो। मैं डांट नहीं रहा यार, सीरियस होने की बात कर रहा था, आप थे सीरियस, और पूरा लेक्चर सीरियस पढ़ा रहा हूँ मैं, ये लेक्चर रुक दे रहा, आप सीरियस नहीं थे, मैं सीरियस हूँ। हाँ ये देख लो पोटेंशियल डिफरेंस वी आई आई, अगर आप आई की टर्म से लिखना चाहते हो तो गड़बड़ मत कर देना, वरना उसको छोड़ दो, छोड़ दो आई की टर्म से लिखो ही मत, ऐसे ही लिखो रेजिस्टेंस ऑफर द ऑफर हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखिए। आई होप लेक्चर में मजा आया होगा, ध्यान से सुना होगा, और जो भी ये समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।